भैया होता ही क्या है, मतलब आप लोग जब देखो तब आ जाते हो कैमरा वगैरह लेके, हाँ मैं हेल्प कर दूंगा हेल्प कर दूंगा, कोई करता है तो है नहीं। इतने लोग आके गए वीडियो बना के ले गए, आज तक एक लड़का तक नहीं मिला। बिल्डिंग है ओ भाई हमारी, साहब, इसको हमने ओ रेंट पे दे सिट, रखा है, ओ भाई साहब जिससे भी बड़ा है ये शादी तो। होगी उसके नाम कर देंगे ये अच्छा बिल्डिंग। वो पक्का? मम्मी ने, हाँ मम्मी ने भी बोल रखा है जो भी लड़का मिल जाए ओ चाहे भाई कैसे। साहब, अच्छा था ये खड़ी है। हाँ जी, आपने लोकेशन दिया था हमें। हाँ, अपने आप कॉल कर रहे थे ना जब भी, तो हाँ मैं आई हूँ। अच्छा, तो मतलब क्या आपके साथ अभी क्या हो रहा है? मेरे साथ तो प्रॉब्लम चल रही है, मैंने काफी लोग आते हैं ऐसे वीडियो बनाने मेरी हेल्प अच्छा करने के कोई नहीं, लिए। काफी लोग आते हैं, काफी लोग नहीं, हम अपनी बात करेंगे ठीक है ना। भैया होता ही क्या है, मतलब आप लोग जब देखो तब आ जाते हो कैमरा वगैरह लेके, हाँ मैं हेल्प कर दूंगा, कोई करता है तो है नहीं। इतने लोग आके गए वीडियो बना के ले गए, आज तक एक लड़का तक नहीं मिला। इतनी अच्छा, हम परेशान हो सबकी बात रखी नहीं हूँ। करेंगे ना, हम अपना बात करेंगे ठीक है। आप मेरा मेरा लो ठीक है ना, और पक्का ये मेरी फैमिली है, मेरी मेरा चैनल है, इस पर कमेंट करेंगे, जो भी नंबर कमेंट करेगा हम यस, आपको सब जरूर बताएंगे। बोलते, मैंने बहुत सब पे विश्वास तो करके देख शायद लिया और है, लोग नहीं, और लोग को वो टाइम नहीं पे, कोई बहुत सा ऐसी बताता ही दिक्कत, नहीं है बहुत ऐसा ऐसे। दिक्कत होता है ना कि वो कर नहीं पाते हैं ठीक है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, और मेरी अभी पब्लिक, मेरी फैमिली सुन रही है ठीक है ना, हम वो आपको बात भरोसा सही दिलाते हैं है कि आपकी, हम आपका हर जो भी आपके साथ दिक्कत आ रहा है, जो भी इशू आ रहा है शादी वादी के लेके, हम करेंगे पूरा ठीक है। भैया वही मैं काफी टाइम से परेशान हूँ कि मेरी मम्मी है, मैंने बताया था, वो मतलब हाँ वो तो फोन अकेले पे बताएंगे। रहती हाँ है। हाँ हस्बैंड जो था वो छोड़कर ही और चला ये गया, बच्चा? ये बच्चा मेरा ही है। अच्छा, वो नशेड़ी था, दारू वारू पीता, बच्चे को भी मारता था मुझे भी मारता था, अच्छा अच्छा काम पे जाना नहीं होता था उसको। अच्छा मेरी अच्छा मम्मी है, उनको हार्ट प्रॉब्लम है, कभी भी हार्ट अटैक आ जाता है उनको। अच्छा अभी अच्छा भी मैं हॉस्पिटल में ही थी, आपने कॉल किया तो मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ अच्छा हॉस्पिटल अच्छा से। तो तो मैं वही कह रही हूँ भैया, अगर आप हेल्प कर सकते हो तो मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि अच्छा सब लोग लेके जाते हैं नहीं, आपके वीडियो पास बना जो के। बता रही थी ये प्रॉपर्टी है, हाँ हम मेरे आना पास भी ये हम दिखा दे। हमारी गाड़ी है, ये अच्छा हमारी जी ये बिल्डिंग गाड़ी है, है, कौन? ये बिल्डिंग है ओ भाई हमारी, साहब, इसको हमने ओ रेंट पे दे सिट, रखा है, ओ भाई साहब जिससे बड़ा भी है ये शादी तो। होगी उसके नाम कर देंगे ये अच्छा बिल्डिंग। वो पक्का? मम्मी ने, हाँ मम्मी ने भी बोल रखा है जो भी लड़का मिल जाए ओ चाहे भाई कैसा साहब, भी हो, ये जो है ये बिल्डिंग देख रहे बिल्डिंग हैं भी ये, उसके ओ नाम कर भाई देंगे, और ये गाड़ी भी। ये भाई ये तो कमाल का है यार, काफी ओ ज्यादा सिट। प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बस जो लड़का मिला ये था। वाला नहीं है ना, ये वाला है? नहीं, ये बड़े वाला अच्छा है। ये वाला, ये हाँ वाला। हाँ अच्छा, तो ये है बिल्डिंग इनका। इसमें कोई भी काम खोल सकते हैं, ऐसे तो हमने रेंट पे दे रखा है इसको। और जो अच्छा भी लड़का था, जो मतलब था मेरा पति, वो ऐसा नशेड़ी था कि उसके बस का कुछ था ही नहीं अच्छा संभालना, अच्छा तो इसलिए हमने छोड़ दिया है उसको। तो मैं वही कोशिश कर रहे कि हम, कोई भी लड़का हो चाहे कैसा भी हो चाहे कितनी भी सैलरी हो उसकी, बस वो घर वो तो संभालने अगर वाला अगर होना जो चाहिए। आप बता रही हैं उसके हिसाब से, तो आप तो उसे अपना वो हाँ काम वो भी छोड़ा सारा देंगे, ये तो चीज अपना संभाल लेगा। सब कुछ दे देंगे हम उसको, बस है कि घर चलाने वाला होना चाहिए, अच्छा, धोखेबाज वाला ना हो, मार पिटाई ना करे, नशा ना करे, वैसा चाहिए। क्योंकि अच्छा मेरी मम्मी वह हार्ट पेशेंट है, फिर उनको उन चीज़ की दिक्कत होती है, अच्छा बातें अच्छा सोच सोच कर अच्छा प्रॉब्लम होती है ज़्यादा ही, तो मैं मम्मी को ऐसे टेंशन में नहीं देख सकती ना। तो ये कौन सी गाड़ी है? ये स्विफ्ट है ना? हाँ ये आप ही की है ना? हाँ ये तो हमारी जो है, शादी करेगा वो आपको उनको दे उसकी, देंगे। हाँ उसके नाम कर देंगे। तो आप जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और हमें एकदम इनका इस बार हम चाहे जैसे भी हो हेल्प करेंगे ठीक है ना, भैया मदद आपकी करेंगे। मेहरबानी होगी जो आप हेल्प कर दो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान हूँ अपनी मम्मी को लेकर, बच्चे को लेकर, बच्चे को नाम नहीं चाहिए ये उसको। हम बता रहे हैं ना, ये मेरी फैमिली है, ये जरूर कमेंट करेगी, जरूर अपना नंबर छोड़ के जाएंगे, चाहे जो भी उसमें कुछ ना कुछ शब्द लिख के जाएंगे ठीक है ना, आपके लिए ठीक है, ठीक और है, हम पूरी तरह से हेल्प करेंगे। और बिल्कुल भैया ऐसे जो ही। भी कमेंट आता है, चाहे जो भी ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलता है, हम आपको जरूर देंगे। और इस जैसे अभी वीडियो बना रहे हैं ना, कि आप हाँ कैसे बोल रही हो कि सबको याटा वीडियो बना के चला सो जाता है होता ही है भैया, मैं मेरी मम्मी यहाँ हॉस्पिटल में परेशान पड़ी है, मैं टाइम निकाल कर आती हूँ कि कोई हेल्प कर देगा मेरी अच्छा। वीडियो के लिए आया है तो, लेकिन वो लोग आते हैं वीडियो बना के चले जाते हैं, कुछ करते ही नहीं है। कोई नहीं, तो आप इसके लिए टेंशन मत लो ठीक है ना। जैसे अभी वीडियो बना के जा रहे हैं ना, आपसे हम प्रोमिस करते हैं, वादा करके जा रहे हैं कि जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है, आपको हम जैसा भी वीडियो बना रहे हैं उसी से शादी का भी वीडियो बनाएंगे ठीक है, ठीक है, बाई कोर्ट।
कोर्ट के द्वारा हम आपका शादी कराएंगे, इसके लिए आप टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है, देखो कोशिश करके भैया कोई लड़का मिल जाए। अच्छा, लड़का के लिए और आपके कुछ रिक्वायरमेंट है ऐसा? मतलब कैसा भी हो, उसका घर हो या ना हो, हम अपने घर पे रखने लिए राजी हैं उसको। अच्छा अच्छा, हमारे मतलब यही चाहिए कि आपका साथ अच्छा से दे, मतलब चाहे वो कैसा भी हो। अच्छा अच्छा, आप आई जो चाहे कैसा भी हो, बस ये है कि घर संभालने वाला होना चाहिए। अच्छा, एक बार बच्चे को दिखा दीजिए, एक बार देख लो आप फैमिली, ये बच्चा है ठीक है ना, इसके पास अभी कोई नहीं है ठीक है, और ये भी बहुत परेशान है बच्चे को लेकर हॉस्पिटल मम्मी के साथ। तो वही कहता है ना कि पूरा जिंदगी अगर सिर्फ पैसा ही हो तो वो मायने नहीं रखता, मतलब एक जीवन साथी भी होता है ना। पैसे की वजह से तो लोग लालची लोग आ जाते हैं ना शादी करने लिए, अब इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर उसने शादी तो कर ली और फिर वो ये सारा इतना बड़ा ज्यादा है, बस नशा वशा करने लग गया वो। अच्छा अच्छा, वो वाला भी है क्या आपका? ये सारा हमारा। अच्छा, वहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा यहाँ तक, ये दूसरी किसी का? दूसरा। अच्छा जी, तो बहुत इस वजह से वो तो इनके भाई साहब बहुत मतलब बड़ा प्रॉपर्टी है ठीक है, और जो भी इच्छुक है रहने की, खाने पीने की, गाड़ी की, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है घर में। अच्छा, आप ड्राइवर रखी हो, आप खुद से ड्राइव करती हो? नहीं, ड्राइवर भी रख लेंगे लेकिन अभी तो मैं खुद करती हूँ। अच्छा खुद? अच्छा अच्छा अच्छा, खुद करती हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हम आपको ये चीज़ का भरोसा दिला रहे हैं ना कि जो आपके साथ जो अभी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मेरे तरफ से जितना कोशिश हो पाएगा ना हम कर देंगे, ठीक है? ठीक है, आप जैसे मतलब कांटेक्ट किए थे तो मतलब ऐसा लग रहा था कि खैर उस जो बीत गया उसको छोड़ के, ठीक है ना, हम आगे चीज़ बढ़ना चाहेंगे, ठीक है ना, और जो भी ऐसा कुछ भी होता है तो हम आपको बताएंगे। और आपके पास आप कोई रिक्वायरमेंट हो तो बताएं। मेरी रिक्वायरमेंट तो यही है कि मतलब एक बच्चे को नाम देने वाला पति हो, जो बच्चे को मेरे अपना सके, हमारा ख्याल रख सके, मेरी मम्मी का ख्याल रख सके, प्यार से रहे हमारे साथ। तो आपके साथ एक मम्मी है, एक बच्चा है, एक आप हो, घर में तीनों? तीन ही लोग, कोई नहीं है। तो कोई नहीं, ये सारी प्रॉपर्टी भी उसके नाम ही हो जाएगी, क्योंकि मेरी मम्मी तो पता नहीं कितने दिन रहे कितने दिन ना रहे, उनको तो बस हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ पता भी नहीं। ठीक है, आप टेंशन मत लो, ठीक है, आप इतना समझ लो, यूँ मतलब जो समझो, भाई समझो, फ्रेंड समझो, जो समझो, एक आपके लिए हम खड़े हैं, ठीक है ना, जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है ना। विश्वास के साथ ही मैं ये सब बोलती हूँ कि हो जाएगी हेल्प, पर होती नहीं है क्या। लेकिन आप नहीं समझते, जो और भी यूट्यूबर जो आते हैं ना, वो मतलब हो सकता है कि उनके पास टाइम नहीं हो या और भी इशू होता है, जैसे हम लोग के साथ में होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, फिर दूसरे प्रॉब्लम पे पड़े, दूसरा केस देखे, ठीक है ना। मतलब थोड़ा करोगे सॉल्व जब ही तो पता चलेगा सब चीज़, इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है? तो आप टेंशन मत लो, ठीक है? ठीक है भैया। और कुछ भी तो दिक्कत नहीं है ना? नहीं नहीं, बहुत वही दिक्कत है। अच्छा, शादी के लिए मतलब कुछ और भी देने वाने के लिए कुछ देने के लिए? अभी तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ठीक है, और ये गाड़ी है, बाकी मम्मी से बात कर लेंगे, लड़का कोई अच्छा मिलेगा तो जो कैश वगैरह देना होगा मम्मी दे देंगी। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू।